अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमें खैरियत से ही रखे। आजकल कोरोना वायरस ने हर बंदे को पैनिक किया हुआ है, डरा के बिठाया हुआ है घर पे। और अच्छी बात है, अगर लोग घर पे बैठे रहेंगे तो ये वबा कम फैलेगी। खैर, मैंने इस टाइम एमरजेंसी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि थोड़ी देर पहले मेरी एक कैसर भाई हैं, उनसे उन्होंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक पिक्चर सेंड की जिसमें हांता वायरस का जिक्र था कि जी ये न्यू वायरस आ गया है और इससे एक बंदे की मौत हो गई है चाइना में। ये ठीक है, ये न्यूज़ ठीक है कि जी हांता वायरस से एक बंदे की मौत हुई है। लेकिन ये हांता वायरस न्यू नहीं है, ये बात गलत है कि ये हांता वायरस न्यू है। ये हांता वायरस बहुत पुराना वायरस है और इससे घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं, और इसकी वैक्सीनेशन भी मौजूद है। ये बेसिकली चूहे से पैदा होती है, चूहे के यूरन वगैरह से। तो इस पर काफ़ी उन्होंने रिसर्च हो चुकी है और ये वायरस पुराना भी है, नया नहीं है। ये जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने इसको नया बना के शो किया, हालांकि उन्होंने देखा ही नहीं कि ये तो वायरस तो पुराना है। तो खैर, उन्होंने अपनी रेटिंग के चक्कर में नया वायरस भी बना दिया। तो खैर, लोगों में पहले ही पैनिक इतना क्रिएट था, मैंने इसीलिए वीडियो बनाई कि लोग पहले से इतने डरे हुए हैं, ऊपर से ये नया वायरस का जो सोशा छोड़ा है मीडिया चैनल्स वालों ने, तो ये अच्छी बात नहीं। तो लिहाजा डरने की ज़रूरत नहीं, इसकी वैक्सीनेशन भी मौजूद है और ये वायरस पुराना है और ये इतना फैलता भी नहीं जिस तरह कोरोना वायरस फैलता है। तो इसके हवाले से आपको एक बात बताता चलूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक चूहा था जो कि शेर से कहता है कि जी मुझे 3 माह तक कुछ ना कहना, देखना मैं तुम्हें कैसी मौत मारूंगा। शेर हंसना शुरू हो गया, उसने कहा चलें ठीक है जी, देखते हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, देखते हैं मुझे कैसे मारोगे। तो खैर, टाइम गुजरता गया, शेर ने हंसना बात सोच सोच के कि ये मुझे कैसे मारेगा। दिन गुजरते गए, उसने शेर ने देखा एक दिन चूहा बड़े मज़े से सो रहा है, तो लेकिन सोया हुआ था। तो उसने देखे हंसा के, इसने क्या मुझे मारना है, ये तो सोया पड़ा है। तो खैर 2 माह गुजर गए, चूहा गुजर रहा था तो शेर ने पूछा कि मियाँ, दो माह तो गुजर गए हैं, मुझे कैसे मारोगे? तो चूहे ने कहा अभी सब्र करो, 1 माह रहता है, फिर बताऊंगा कैसे मारूंगा। तो खैर जब 3 माह गुजरे तो चूहे का गुजर हुआ वहाँ से, तो चूहे ने देखा कि शेर मरा हुआ था। तो बात करने का मकसद ये है कि शेर सिर्फ उसके डर से ही मर गया था कि मुझे पता नहीं ये किस तरीके से मारेगा, कैसे मारेगा। तो लिहाजा हम लोगों में इस टाइम ये डर खौफ मौजूद है कि पता नहीं कोरोना हमारे साथ क्या करेगा। और ऊपर से वुहान वाली जो फेक न्यूज़ चली उससे लोगों में काफ़ी जो
है वो पैनिक क्रिएट हुआ। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश ये करता हूँ कि जो न्यूज़ आपके पास आए उसको सबसे पहले तस्दीक करें, उसके बाद आगे उस न्यूज़ को शेयर करें। तो लिहाजा इस वजह से मैंने एमरजेंसी जो एक फ़ौरन मैंने वीडियो बनाने की, मैंने कहा चले मैं मैसेज पे पैगाम दे दूँ अपना लोगों तक कि ये न्यूज़ ओरिजिनल नहीं, कि जो है ये नया वायरस है, वायरस है लेकिन ये पुराना वायरस है और इसकी वैक्सीनेशन भी मौजूद है और ये फैलता भी नहीं इस तरह से। तो अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, घरों में बैठे रहें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लड़कों की तो चांद रात हो गई थी जब पता चला जी लॉकडाउन शुरू हो गया है, फिर जो है लॉकडाउन है, कर्फ्यू नहीं है, लोग आ जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसको कर्फ्यू की शक्ल देना चाह रहे हैं लेकिन कर्फ्यू नहीं है, लॉकडाउन है सिंपल। तो लिहाजा मैंने यही मैसेज देना था कि डरने की ज़रूरत नहीं, आप अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक हमें बुरी आफतों से बचा के रखे। तो मैं फिल वक्त यही कहना चाहूँगा, अगर इंशाल्लाह फिर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर आपके सामने हाज़िर हूँगा। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।